बिहार के गया में शहर के चांद चौरा में आनंदी देवी डालमिया अन्नपूर्णा रसोई का उद्घाटन किया गया। श्री रामचरित्र मानस नवाह परायण यज्ञ समिति के अध्यक्ष समाजसेवी शिव कैलाश डालमिया उर्फ मुन्ना बाबू डालमिया, महापौर गणेश पासवान एवं पूर्व उप महापौर मोहन श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से विधिवत पूजन कर फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। मुन्ना डालमिया ने इस मौके पर कहा कि एक बड़ी पहल यह की गई है। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों और देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को यहाँ मात्र 10 रुपये में अब भरपेट भोजन मिल सकेगा। रोजाना 4 घंटे के लिए अन्नपूर्णा रसोई चलाई जाएगी। यह काफ़ी सात्विक और साफ सुथरे तौर पर भोजन परोसने की व्यवस्था की गई है। भोजन के लिए लोगों को पहले 10 रुपये का कूपन लेना होगा। कूपन के माध्यम से लोगों को खाना में 4 रोटी, चावल, दाल, अचार, 1 सब्जी रहेगा। मोहन श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि शहर के प्रबुद्ध लोगों के आपसी सहयोग से यह संभव हो पाया है। आपको बता दें कि विष्णुपद इलाके में रसोई खुलने से पिंडदानियों को खासकर इसका लाभ मिल सकेगा। इस अवसर पर यहाँ पंडा समाज के कई लोग उपस्थित थे। उद्घाटन हुआ है जिसमें हमारे नगर निगम पूर्व उप महापौर मोहन श्रीवास्तव जी, समाज सेवी आनंद जी, डालमिया जी और पूरे विकास समिति के सभी लोग मेंबर यहाँ उपस्थित हैं। जिस तरह से 10 रुपये में इतने शुद्ध भोजन यहाँ उपलब्ध होते हैं, जो गरीब तत्व के आदमी एक मामूली सा 1 प्लेट भोजन लेने में उसको 100 से 150 रुपया खर्च बैठता है, लेकिन विकास समिति के द्वारा यह एक संस्था चलाई जा रही है कि मात्र 10 रुपये में भोजन का प्रबंध किया गया है, जिसमें दूर दराज से आए हुए गरीब लोग को यहाँ 10 रुपये मात्र भर पेट भोजन का उपलब्ध किया गया है। इसमें हमारे शहर के अनेक बुद्धिजीवी आनंद जी, डिप्टी मेयर साहब मनी बारी जी, डालमिया जी और अनेकों संस्था द्वारा संस्था को चलाया जा रहा है। इस नेक काम के लिए पूरे हम समाज सेवी को हार दिल से बधाई देना चाहते हैं। और ये दूसरा ब्रांच है, यहाँ देश विदेश से आने वाले, यहाँ विष्णु भगवान के चरण है, यहाँ काफ़ी देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को इस संस्था के द्वारा सुविधा मिलेगी और उनको एक शुद्ध भोजन का यहाँ लाभ मिलेगा। इस समिति को मैं हार्दिक से बधाई देती हूँ।